बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि मैं आने वाले दिनों में पार्क व्यू पार्ट टू अपलोड करूंगा, और अभी आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगा पार्क व्यू सिटी हाउसिंग स्कीम लाहौर फेज़ टू या उसके पार्ट टू का। इससे पहले जो अपलोड हो चुका है वो इसका पार्ट वन था, जिसमें जेड ब्लॉक, जैस्मिन ब्लॉक, सफायर ब्लॉक और टोपाज ब्लॉक और टोपाज एक्सटेंशन का विज़िट करवाया गया था। तो अभी इसका जो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्क व्यू सिटी में जैसे हम एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद जो पहला राउंड अबाउट आता है, वहाँ से लेफ़्ट होने के बाद जो इसका पार्ट है, मैं आज आपको उसके उसमें जितने ब्लॉक्स हैं उनमें से कुछ ब्लॉक्स का विज़िट जो है वो करवाऊंगा, और अगर कुछ ब्लॉक्स इसमें मिस हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा और उस पार्ट्स का, उन बाकी पार्ट्स का रिमेनिंग का आपको विज़िट करवाऊंगा। तो जी, तो हम जैसे ही एंटर होने के बाद सेकंड राउंड अबाउट से लेफ़्ट हुए हैं, तो यहाँ पर मेरे राइट और लेफ़्ट ट्यूलिप ब्लॉक और ट्यूलिप एक्सटेंशन है, और बिल्कुल सामने जो है वो ट्यूलिप ओवरसीज, और राइट साइड पे अभी यहाँ पर ओवरसीज ब्लॉक भी आएगा। तो राउंड अबाउट के बाद मैं ये मेन बुलेवार्ड पर जा रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा इनका बुलेवार्ड है, और जैसा कि मैंने बताया कि राइट और लेफ़्ट ट्यूलिप और ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक्स हैं। तो आए विज़िट करें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सटर्नल रोड्स के अलावा इसमें इंटरनल रोड्स का भी प्रॉपर विज़िट करवाऊँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितनी जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी है और किस हद तक डेवलपमेंट अभी जारी है। ये जो राउंड बोर्ड से जब मैंने टर्न लिया है, तो ये जो रोड जा रही है लेफ़्ट साइड पर, जो इस वक्त रोड है, ये इसके क्रिस्टल डायमंड ब्लॉक्स की तरफ है जा रही, और ये राउंड अबाउट्स तकरीबन तीसरे या चौथे राउंड अबाउट से जब राइट, ये ब्रॉडवे ओवर जो इनकी रोड है, काफ़ी बड़ी ये रोड है, ये टुवार्ड्स जा रही है बिल्कुल सामने ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ, और यहाँ पर ओवरसीज़ ब्लॉक में इनका क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा और कुछ मशीनरी लगी है, कुछ काम हो रहा है। और ये मेरे दोनों तरफ मेन रोड पर जो है वो कमर्शियल है, प्लॉट्स और ऑफिसेज़ वगैरह इसमें बनेंगे। ये सामने ओवरसीज़ ब्लॉक है, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम की लैंड है, और इसी तरह अब यहाँ से मैं राइट जो रोड है ट्यूलिप एक्सटेंशन की तरफ, वो मैं आपको ब्लॉक के अंदर से विज़िट करवाऊंगा प्रॉपर। और ये आप देख सकते हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक में क्रिकेट स्टेडियम की प्लेस है और कुछ मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है। तो आए विज़िट करते हैं।
इसका आपने अभी मेरे साथ विज़िट किया है ट्यूलिप एक्सटेंशन का, और ये मैं अभी बाहर आ चुका हूँ। ये यहाँ पर जब हम वापस आ रहे हैं तो इसमें जो है मेरी बैक साइड पे अब जो बनेगा वो क्रिस्टल और डायमंड ब्लॉक्स हैं और ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक हैं, और इसके अलावा ये वाला एरिया जो है ये इनका डेवलप हो चुका है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पार्क व्यू सिटी या लाहौर में किसी भी सोसाइटी में सेल या परचेज़ करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। ये जी इनका मेन बुलेवार्ड है जो कि ट्यूलिप और ट्यूलिप ओवरसीज़ और क्रिस्टल डायमंड और इन तमाम ब्लॉक्स को ये लिंक करता है। तो प्राइस प्लान के बारे में बात करता चलूँ तो यहाँ पर तकरीबन पार्क व्यू में आपको तकरीबन 40-45-40 लाख से लेकर 80-85 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट है लोकेशन वाइज, और 10 मरला जो है वो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ से प्लस की रेंज में यहाँ पर 10 मरला प्लॉट आपको मिलता है इस सोसाइटी में। और ब्लॉक वाइज रेट भी मैं इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टूर आएगा मैं उसमें आपको प्रॉपर जो है वो ब्लॉक वाइज रेट्स के बारे में भी बताऊंगा। ये अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, यहाँ पर इसकी जो इस वक्त बुकिंग चल रही है वो इसमें ओवरसीज़ ब्लॉक की चल रही है, और सिल्वर ब्लॉक है, क्रिस्टल ब्लॉक है, डायमंड ब्लॉक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी मौजू अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि ये ठोकर नियाज बेग से काफ़ी करीब है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।